شيخ محمد هلا. يلا فيلدو مات كم مات يا يا نو نو ثانك يو سو ماتش اند ذيس جايز ار ويلكم 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 بنجاب باكستان باكستان يا باكستان نايس تو ميت يو جايز खुश आमदीद। इस वक्त मैं स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में मौजूद हूं और इस वीडियो में मैं आपको सफ़र करवाऊंगा स्टॉकहोम का, और ना सिर्फ स्टॉकहोम का बल्कि स्टॉकहोम से करीब एक सिटी है जिसका नाम है उपसाला। और वीडियो की सीक्वेंस इस तरह होगी कि पहले आप उपसाला का सफ़र करेंगे और फिर हम आपको सफ़र करवाएंगे स्टॉकहोम का। मेरे साथ मेरे दोस्त भी मौजूद होंगे इस वीडियो में, जाफरी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए। तो इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और हमें कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट देखना था, तो एक हलाल रेस्टोरेंट यहाँ पे हमें मिला है जो कि एयरपोर्ट से नज़दीक है और इसका नाम है कोल ग्रिल पिज़ेरिया। तो यहाँ पे हम चलते हैं अंदर और अपना ऑर्डर करते हैं। खाना आ रहा है, मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या आपको ये रेस्टोरेंट महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा और इसके प्राइसेस क्या हैं। तो बेसिकली हमने लैम्ब और चिकन ऑर्डर किया, उसके साथ राइस एंड फ्राइज। तो ये हमें पड़ा है तकरीबन अराउंड 37 यूरोस के करीब है। तो दो लोगों की ये मील है और 37 यूरोस में हमें मिली है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना एक्सपेंसिव है। Takes you higher, I will forever be intertwined with you. When the sun never goes down and time has slowed down, would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. पहले आपको हम रिव्यू देते हैं कि खाना कैसा था। खाना काफ़ी अच्छा था मगर काफ़ी एक्सपेंसिव था। अगर मैं कंपेयर करूं इवन फिनलैंड से, तो फिनलैंड के कंपैरिजन में भी काफ़ी महंगा था। और खाना खाने के बाद हमने, क्योंकि सिटी घूमना था, मगर हमने सोचा कि स्टॉकहोम घूमने के बजाय पहले हम स्टॉकहोम के कोई नियरेस्ट सिटी जाते हैं और वो घूमते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उपसाला में, और उपसाला तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है स्टॉकहोम से। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और इस सिटी को देखते हैं कि उपसाला कैसा है, और उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे स्टॉकहोम और स्टॉकहोम जाके वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि स्टॉकहोम कैसा है। तो स्टे ट्यून्ड।
इस कार्ड से अभी हमने अपना ऑर्डर किया है खाना। बेसिकली हम लोग जो है वो रिवर्स से अब यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा बहुत स्नैक के तौर पे खा लेते हैं और इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट पड़ाव जो है वो स्टॉकहोम की जानिब है, तो उससे पहले यहाँ पर कुछ खाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो करी बड़ीज़ ये जो कार्ड है ये हलाल है, तो कोई हमें मुश्किल नहीं हुई हलाल ढूंढने में इस बार। और ये अंकल बड़े अच्छे हैं, बांग्लादेश के हैं। ये बिल्कुल जो कैथीड्रल है उसके पास ही जगह है, मैं आपको अगर दिखा सकूं। तो जाफरी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको कैसा लगा उपसाला इन ओवरऑल और स्पेसिफिकली ये जो हम रिवर से होकर आए अभी? भाई मैं तो ये रिकमेंड करूँगा शहरयार भाई के जो स्टॉकहोम आता है तो उसको उपसाला भी विज़िट करना चाहिए। ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, आप इजीली आपके पास ज़्यादा डेस्टिनेशंस भी नहीं है घूमने की, लेकिन जो लेक जो बेसिकली रिवर के साथ आपके ये कैथेड्रल है वो एक बहुत बेहतरीन जो है वो लुक देता है। और बहुत समझ लें कि फॉल का मौसम भी चल रहा है और हल्की हल्की ठंड भी है, तो बहुत बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम यहाँ पर और पिक्चर्स भी बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं। तो आई थिंक जो मेन, जब आप किसी ऐसी जगह जाते हैं तो आपका मेन फोकस ये होता है कि पिक्चर्स एंड वीडियोस अच्छी आएँ, तो हाँ। वो बहुत अच्छी आई हैं और वो शहरयार आपसे बिल्कुल जो है ना वो शेयर करेंगे आपकी ब्लॉग में। वही शहरयार भाई, उपसाला के खूबसूरत मनाजिर देखने के बाद और समोसे पकौड़े खाने के बाद अब हम लोग सफ़र जारी रख रहे हैं स्टॉकहोम की जानिब और स्टॉकहोम पहुँच के आपको दिखाते हैं वहाँ के खूबसूरत नज़ारे, तो स्टे ट्यून्ड। तो इस वक्त हम बाहर आ चुके हैं सेंट्रल रेलवे स्टेशन से स्टॉकहोम के, और ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है सामने, इसके अंडरग्राउंड में ट्रेन चल रही थी। और जी बाहर का ये व्यू है, के बाद मेरे फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है इस जगह के हवाले से। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ हेलसिंकी से, तो हेलसिंकी में इतने ज़्यादा लोग नहीं होते अमूमन, इवन के अभी वीकेंड नहीं है उसके बावजूद यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा साइन है कि इतने ज़्यादा लोगों के बावजूद हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है और हर चीज़ साफ़ सुथरी अपनी जगह पर फंक्शन कर रही है बिल्कुल दुरुस्तगी के साथ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस जगह पे आके, बहुत पीसफुल और अच्छा एनवायरनमेंट है। और अभी आपको मज़ीद शॉट्स दिखाते हैं इस जगह के। यूरोप के शहरों के बारे में एक चीज़ गलत आम है कि जी यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम होती है और आपको लोग नहीं मिलेंगे, कोई चहल पहल नहीं होगी, मगर आपकी सोच तब्दील हो जाएगी जब आप स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम आएँ। एनीवेज बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक, और अभी एक्सप्लोर करते हैं स्टॉकहोम की मज़ीद प्लेसेस और आपको दिखाते हैं यहाँ के मनाजिर।
जल्दी। So how was your experience in Sweden? Sweden? Yeah. Tell us something about Sweden. Basketball. Okay. Cold. Yeah. And by the way, are there any more halal shops here? Just me. Okay. Just you. Okay. Coming here, you know, this is just halal. There's no other place halal here. अच्छा जी, यूरोप में एक चीज़ ये बड़ी कॉमन है कि यहाँ पे रात बड़ी जल्दी हो जाती है, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट ढूंढना और बाकी शॉप ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि शॉप्स जल्दी बंद हो जाती हैं। इस वक्त 7:15 हो रहे हैं और शॉप्स जो हैं वो क्लोज होना शुरू हो गई हैं, इवन दो कि आज फ्राइडे नाइट है। तो हम एक ये हलाल शॉप पर बैठे हैं, इसका नाम है यरूशलम, क्या नाम है, यरूशलम कबाब। तो यहाँ से हमने जो है पीतास और रैप्स जो है वो ऑर्डर किया है। यहाँ पे इनके पास होल रेंज ऑफ वैरायटी है, तो लेट्स सी कि इनका खाना कैसा होता है। और अब यहाँ से हम खाने के बाद जो है अपने घर वापस जाएंगे, और कल एक नया दिन है, कल हम लोग दोबारा स्टॉकहोम को एक्सप्लोर करने निकलेंगे। तो लेट्स सी कि आप लोगों को पसंद आई ये वीडियो या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना फीडबैक। सी यू।